गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खड़े हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के सामने। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये टाटा नेक्सॉन ईवी का जो मैक्स वाला वेरिएंट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऑटोमोटिव 03 को। चलिए तो आपको दिखाते हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स की डिटेल। टाटा नेक्सॉन ईवी आप देख सकते हैं, ये फुली ईवी वेरिएंट है टाटा का। इसका एक पेट्रोल वेरिएंट भी आता है, डीजल वेरिएंट भी आता है। और आप इसका टायर साइज दे सकते हैं 215/60/R16। ऑटोमेटिक IRBM आते हैं, ORBM आते हैं। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी है। ये इसका एक वॉक अराउंड देख लीजिए, इसमें अलॉय व्हील आते हैं। ये सेकंड टॉप मॉडल है नेक्सॉन ईवी का। ये ऑटोमेटिक साइड मिरर ओपन हो जाते हैं जब भी आदमी आता है इसमें। आप अंदर से देख सकते हैं इसको। ये इसका कंसोल देखिए, म्यूजिक सिस्टम देखिए। म्यूजिक सिस्टम हरमन कार्डन का है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें। हेडरेस्ट आता है। अंदर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल नेक्सॉन की तरह ये गाड़ी दिखती है। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक आते हैं। ऑटो होल्ड ऑप्शन आता है। ये रीजनरेटिव बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैसिव डायलर दिया हुआ है इसमें। और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ये पार्किंग मोड में गाड़ी है, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। ये आप देख सकते हैं 342 किलोमीटर की रेंज है। ब्रेक अप्लाइड है इसलिए ब्रेक दिखा रहा है। रीजनरेटिव एक पे है। ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, चार मोड आते हैं इसमें। देख सकते हैं स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल आता है, क्रूज कंट्रोल आता है। 11,652 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। क्रूज कंट्रोल ऑन, क्रूज कंट्रोल ऑफ। ये गाड़ी अभी स्टार्ट है। 96% बैटरी है। एक बार आपको स्टार्ट स्टॉप करके दिखा देते हैं। सिटी मोड में है। ये स्पोर्ट्स मोड की बटन, इसमें डायलर रेड कलर का हो जाता है। डिस्प्ले पूरा चेंज हो जाता है। ये इको मोड में, इको नहीं सॉरी सिटी मोड में। फिर ये स्पोर्ट मोड, सिटी मोड, ये इको मोड, तीन मोड आते हैं इसमें। हाँ, ये नेक्सॉन ईवी मैक्स आप देख सकते हैं। ये 2023 का वेरिएंट है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें ऑटोमोटिव 03 में। चलिए आप, हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक देखते रहिए ऑटोमोटिव 03 और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।